उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत को जोड़ने का जो कार्य उस कालखंड में भगवान राम ने किया था, समाज को जोड़ने का कार्य, सामाजिक संगठन के माध्यम से राष्ट्र की एकता और अखंडता को। कृष्ण कंधा का राज जीतते हैं लेकिन राज्याभिषेक सुग्रीव का करते हैं, लंका को जीतते हैं राज्याभिषेक विभीषण का करते हैं। यह है राम का आदर्श। और इसीलिए आज जब हम सब यहां पर आए हैं, भगवान राम ये सब करने में इसलिए सफल रहे क्योंकि उन्होंने जोड़ा था, पूरे समाज को जोड़ा था, सबको जोड़ा था। ये जोड़ने के कार्य को अगर हमने महत्व दिया होता, सामाजिक विद्वेष को आगे बढ़ाने और समाज को तोड़ने की, समाज के दुश्मनों की रणनीति को सफल नहीं होने देते, ये देश कभी गुलाम नहीं होता, हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांता आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते, भारत के वीर योद्धाओं ने रौंद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे। और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना, किसी को अगर गलत फहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपा सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलत फहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेंट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं, वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है, यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। और इसीलिए आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, हमने अगर प्रभु को अपना आराध्य माना है, उनके प्रति समर्पण का भाव है, ये तब तक अधूरी है जब तक हम उनके उच्च आदर्शों से कुछ प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को उसके रूप में ढाल दें और उसके रूप तैयार करना अपने आप को।